हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं डिवोशनल स्टडी। आज डिवोशनल स्टडी में हम पढ़ने वाले हैं बॉर्डर, यस सीएसएस बॉर्डर यूजिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स। सो क्या होता है सीएसएस बॉर्डर, हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीएसएस बॉर्डर के बारे में, क्या होता है सीएसएस बॉर्डर और कितनी तरह की चीजें हम लोग आज यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले सीएसएस बॉर्डर क्या होता है। सीएसएस बॉर्डर बेसिकली एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है सीएसएस के अंदर, जो हम यूज करते हैं एक किसी भी एलिमेंट को, एचटीएमएल के किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर देने के लिए, राइट, एक आउटलाइन देने के लिए। तो सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग यूज करते हैं स्टाइल देने के लिए, कलर देने के लिए या उसका साइज देने के लिए, राइट, ताकि हमारा पेज और इफेक्टिवली अच्छा लगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग चार प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सीएसएस बॉर्डर स्टाइल, दूसरा आता है सीएसएस बॉर्डर कलर, तीसरा आता है सीएसएस बॉर्डर विड्थ और चौथा आता है सीएसएस बॉर्डर रेडियस। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीएसएस बॉर्डर स्टाइल के बारे में। सीएसएस बॉर्डर स्टाइल बेसिकली प्रॉपर्टी होती है जब हम लोग यूज करते हैं बॉर्डर को, बॉर्डर टाइप को, जिसमें हम लोग सीएसएस को स्टाइल देना चाहते हैं। अब वो स्टाइलिंग कैसे हो सकती है वो हम देखते हैं। तो स्टाइलिंग बेसिकली या तो आप बॉर्डर की जो आउटलाइन होती है या तो वो सॉलिड रखते हैं या वो स्ट्राइप रखते हैं, उसका मैंने एग्जांपल भी दिया है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जांपल के साथ भी। तो उसके बाद हम लोग जानते हैं सबसे पहले, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं सीएसएस बॉर्डर विड्थ। सीएसएस बॉर्डर विड्थ बेसिकली क्या होती है, बॉर्डर की विड्थ सेट करने के लिए हम लोग सीएसएस बॉर्डर विड्थ का यूज करते हैं। बेसिकली सीएसएस बॉर्डर विड्थ हमेशा हम लोग पिक्सल में सेट कर सकते हैं और इसको हम लोग किसी भी, मतलब कहें तो पिक्सल में वैल्यू दे सकते हैं विद में, विद को, या मीडियम उसका साइज दे सकते हैं, जैसे कि अगर थिक देनी है हमें, थिन देनी है, जैसी भी वैल्यू देनी है वो भी हम दे सकते हैं। और इसको हम लोग कैसे भी करके, जैसे भी हम चाहते हैं वैसे हम लोग इसकी विद को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है सीएसएस बॉर्डर कलर, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ ताकि आपको आगे जब मैं प्रैक्टिकल बताऊँ तो आपको उसमें और डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग फोकस करते हैं जो है सीएसएस बॉर्डर कलर। कलर जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हमको बॉर्डर का कलर सेट करना है। कलर सेट करने का मतलब जो हमारी बॉर्डर होगी उसका कलर क्या होना चाहिए। अब हम उसके उसके लिए तीन मेथड का यूज़ करते हैं बेसिकली कलर सेट करने के लिए। या हम कलर का नाम दे सकते हैं, बेसिकली नाम से होता है, आरजीबी होता है या हेक्सएमएल वैल्यू होती है। तो अब ये तीनों चीज क्या होती है, नेम यानी कि हम उसको कलर का नेम दे सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू ऐसा कुछ। आरजीबी यानी कि हम उसको आरजीबी फॉर्मेट में, जब हम लोग अपनी स्क्रीन देखते हैं तो हमेशा ध्यान रखें ये आरजीबी फॉर्मेट में होती है, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अब उसकी फॉर्मेटिंग हम लोग उसमें भी हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तीसरी वैल्यू आती है हेक्सएमएल वैल्यू, जिसमें कि हम लोग कलर कोड यूज करते हैं, कलर का नाम नहीं कलर कोड यूज करते हैं, जैसे कि हैश 00000, बहुत सारे कलर कोड्स होते हैं। आप इसके लिए वेबसाइट में जाके, कलर कोड वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं, एचटीएमएल की कलर कोड वेबसाइट भी होती है। इसके बाद आती है एचटीएमएल सॉरी सीएसएस बॉर्डर रेडियस। रेडियस में जैसे कि हम कोई भी डिविजन ले सकते हैं, डिविजन में उसके चारों तरफ हमें कितनी रेडियस देनी है, कर्व देना है अगर हमें बॉर्डर में, तो कर्व के लिए बेसिकली हम लोग रेडियस का यूज करते हैं। ये मैं आपको इस ट्यूटोरियल में नहीं बताऊंगा, ये मैं तब बताऊंगा जब हम डिवीजन पे सीएसएस अप्लाई करेंगे, तो तब मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको उस टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल स्क्रीन में जाते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हमारा सीएसएस बॉर्डर स्टाइल के बारे में। सीएसएस बॉर्डर स्टाइल कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल पहले से लिख के रखा है, थोड़ा लंबा एग्जाम्पल था इसलिए मैंने आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए लिख के रखा है। तो मैं इसको रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये होती हैं सीएसएस बॉर्डर बेसिकली, कितनी तरह की बॉर्डर हो सकती हैं। तो अगर आपको बॉर्डर नहीं देनी तो डॉटेड बॉर्डर हो सकती है, डैश बॉर्डर हो सकती है, सॉलिड बॉर्डर हो सकती है, डबल बॉर्डर हो सकती है, ग्रूव, रिज, इंसर्ट, आउटसेट, अ हिडन बॉर्डर, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसको समझने के लिए इसकी कोड में जाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं इसका कोड खोल लेता हूँ, ठीक है। इसको ओपन विद या डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं और हमारी कोडिंग विंडो में पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बॉडी की पार्ट में दिखाता हूँ। बॉडी में जैसे कि हमने सिर्फ पैराग्राफ यूज कर रखा है,
और हर पैराग्राफ पे एक हमने क्लास बना रखी है, हर क्लास का एक अलग नाम है, ठीक है। जैसे कि नन, डॉटेड, डैश, ये एक कोई प्री डिफाइंड नाम नहीं है, ये आप मैनुअली अपने हिसाब से अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और उसी के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट डाल रखा है, ठीक है। अब इसकी सीएसएस देखते हैं, सीएसएस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टाइल में हमने नन कर रखा है, यानी कि कोई भी बॉर्डर नहीं है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो पहली बॉर्डर है उसमें कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो आपने हमने वहां पे हमने क्या रख रखा है, बॉर्डर स्टाइल नन। डॉटेड रखनी है तो डॉटेड लिख लिया, डैश रखनी है डैश रख दिया, सॉलिड लिखनी है सॉलिड लिख लिया। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी ये है डॉटेड, ये है डैश, बस आपको उसकी प्रॉपर्टी का नाम देना है, ठीक है, और वो अपने आप इनहेरिट कर लेगा सारी वैल्यूज को। अब हम लोग इसमें सीएसएस लगा कैसे रहे, तो हर पैराग्राफ में मैंने कहा एक हमने क्लास दे रखी है, तो पी डॉट नन ये क्लास का नाम है, पी डॉट डॉटेड ये भी एक क्लास का नाम है जो कि सेकेंड पैराग्राफ का है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम लोग कई सारी स्टाइलिंग दे सकते हैं बॉर्डर को, ठीक है। इसके बाद अगर हमें बात कर रहे हैं कलरिंग की, तो हम कलर भी दे सकते हैं बॉर्डर को। जैसे कि मैं इसी में यूज कर लेता हूं, डॉटेड में कलर देना है अगर हमें, तो अभी हम लोग पी डॉट डॉटेड के अंदर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और समझने के लिए यहां एंटर कर लेता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग पी डॉट डॉटेड के लिए डॉटेड के अंदर है। तो कलर देने के लिए हमको बॉर्डर कलर का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे बताया था कि कलर हम लोग तीन तरह से दे सकते हैं, आरजीबी हो सकता है, हैश वैल्यू, हेक्सागन, हेक्सामल वैल्यू हो सकती है, या हम उसका नाम दे सकते हैं। तो मैं सीधा नाम दे देता हूं बिना किसी कंफ्यूजन के। सेव कर देते हैं और इसको चलाते हैं, हमारे कोड को रन करते हैं। रन करने से देख सकते हैं आप डॉटेड की जो वैल्यू थी कलर वैल्यू, उसकी जो कलर की वैल्यू थी हमने रेड रखी, तो रेड कलर का यहाँ पे बॉर्डर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें विड्थ भी दे सकते हैं, तो विड्थ देने के लिए हम लोग बॉर्डर हाइफन विड्थ, ठीक है। विड्थ देने के लिए हमने क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग 5 पिक्सल, तो इसकी जो विड्थ होगी वो सेव कर लेते हैं, इसको 5 पिक्सल की हो जाएगी, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं ये 5 पिक्सल हो गया, और इसको बड़ा समझना है तो हम इसको 25 दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं 25 पिक्सल की डॉट्स हो गई हैं, जो इसकी विड्थ है वो 25 पिक्सल की हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रेडियस के बारे में जैसे मैंने आपको बोला, रेडियस के बारे में हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या जब हम डिवीजन पढ़ेंगे तो मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से कि कैसे हम बॉर्डर की रेडियस सेट कर सकते हैं, कैसे उसको हमको यूज करना है, ठीक है। तो जानेंगे उसके बारे में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो अगर आपको इस ट्यूटोरियल में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ ना समझ में आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, प्लीज आप कमेंट करिए नीचे, ताकि मैं आपको उस चीज का रिप्लाई कर सकूं, ताकि आपका डाउट दूर हो सके। और अगर आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज बताइएगा जरूर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।